हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने अपनी एक रचना में लिखा था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। आशा भोसले के गाए हुए गाने जब हम सुनते हैं तो यही लाइंस, यही पंक्तियां बार बार याद आती हैं। आशा भोसले की आवाज ही कुछ ऐसी है कि इंसानी जज्बातों के जिस रंग के साथ उसे मिलाया जाता है, ऐसा लगता है कि जज्बात के इसी रंग के लिए ही उनकी आवाज बनी है, और ऐसा हर एक रंग के साथ होता है। गीत किसी भी तरह का हो, आशा जी ने उस गीत को अपनी आवाज से सजाया है। आशा जी के गीतों की महफिल जब रंग लाती है तो नींद आंखों से ओझल हो जाती है। सुरों की मल्लिका आशा भोसले, पद्म विभूषण आशा भोसले, एक बेमिसाल सिंगर, एक बेमिसाल इंसान, एक जबरदस्त शख्सियत। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सुरों की मल्लिका, पद्म विभूषण आशा भोसले की। दोस्तों, ये बताइए कि हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा गाने किसकी आवाज में रिकॉर्ड हुए हैं। संगीत प्रेमियों में हमेशा इस बात को लेकर बहस होती थी कि सबसे ज्यादा गाने किसकी आवाज में रिकॉर्ड किए गए हैं। लोगों की जुबान पे सबसे पहले दो ही नाम आते थे, लता जी का और मोहम्मद रफी साहब का। लेकिन कुछ साल पहले इन गायकों के गाए हुए गीतों की सूचियां जारी की गईं किताबों के जरिए, और उसके बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि सबसे ज्यादा गाने आशा भोसले ने गाए हैं, लगभग 8,500 गाने। इसमें अगर दूसरी भाषाओं के गीतों को और गैर फिल्मी गीतों को मिलाया जाए तो ये नंबर पहुंचता है 11,000 से भी ऊपर। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक विश्व कीर्तिमान है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड आशा भोसले के नाम पे है। बड़ी गायिका बनने का सपना तो उन्होंने बचपन में ही देखा था, लेकिन ये सपना इतनी हद तक सच होगा शायद आशा जी ने भी नहीं सोचा था। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वैसे तो आशा जी ने अपने करियर की शुरुआत 1948 में की थी, जब संगीतकार हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया में उन्होंने एक गीत गाया था। लेकिन अपने करियर के पहले 10 सालों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारी कश्मकश से गुजरना पड़ा। सभी संगीतकार लता जी के जादू भरे आवाज के इर्द गिर्द घूम रहे थे। आशा जी को सेकेंडरी लेवल के गानों से ही खुश रहना पड़ता था। लेकिन 1957 में आई एक म्यूजिकल हिट फिल्म ने आशा जी के करियर को एक निर्णायक मोड़ दे दिया। यह फिल्म थी बीआर चोपड़ा की नया दौर, और उसके संगीतकार थे ओपी नैयर। इस फिल्म के गीतों के साथ ही आशा भोसले के करियर का एक नया दौर शुरू हो गया। आशा जी हमेशा कहती हैं कि फिल्म नया दौर के बाद लोगों को यह मानना पड़ा कि आशा भोसले भी बहुत अच्छा गाती हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फिल्म नया दौर के बाद सुरों की मल्लिका, पद्म विभूषण आशा भोसले और ओपी नैयर की जोड़ी पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे छा गई, और अगले लगभग 13-14 सालों तक उनके गीतों का सिलसिला लगातार जारी रहा। ऐसा लगता था मानो ओपी नैयर का संगीत और आशा भोसले की आवाज दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। इन गानों की बदौलत ही आशा भोसले प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में पहले स्थान की ओर बढ़ने लगी। इसलिए आशा भोसले के करियर में ओपी नैयर का संगीत सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ओपी नैयर के साथ साथ संगीतकार एसडी बर्मन भी आशा भोसले के सुरों की जादू को अच्छी तरह समझते थे। उनके संगीत निर्देशन में आशा भोसले ने काला बाजार, काला पानी, बंदनी, लाजवंती, टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्मों में कई अलग अलग ढंग के गाने, अलग अलग किस्म के गाने गाए। आशा भोसले की आवाज मत भरी थी, सेंशियस थी। उनकी आवाज की इस खूबी का इस्तेमाल एसडी बर्मन ने कई गानों में किया है। मिसाल के तौर पे फिल्म जुएल थीफ का ये गाना ही सुन लीजिए। जुएल थीफ, गोल्डी आनंद की जुएल थीफ, देव आनंद और तनुजा की हसीन अदाएं, रात का वो दिलकश समा, क्योंकि रात अकेली है, दिए बुझ गए हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील।
दोस्तों बातें हो रही हैं सुरों की मल्लिका पद्म विभूषण आशा भोसले की। दोस्तों आशा जी की आवाज में एक कुदरती पैदाइशी जोशीलापन है। जिस ढंग से, जिस जोशीलेपन से वो शब्दों का उच्चारण करती हैं, उससे उन शब्दों को एक नया डायमेंशन हासिल हो जाता है। उनके गाने की एक खासियत यह है कि उनके गाने में अदाकारी भी शामिल होती है, जिसे स्वराभिनय कहा जाता है। कई संगीतकारों ने आशा भोसले से लोक संगीत पर आधारित गाने गवाकर उनकी इस खासियत का बखूबी इस्तेमाल किया है। मसलन साधना पे पिक्चराइज किया गया फिल्म मेरा साया का ये गीत। दोस्तों आपको याद होगा कि स्क्रीन पे साधना ने जितनी बढ़िया अदाकारी की है, उतनी ही बढ़िया अदाकारी आशा भोसले ने अपने सुरों के जरिए की है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों सुरों की मल्लिका पद्म विभूषण आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली शहर में हुआ था। वो सिर्फ 8 साल की थीं जब उनके पिता मशहूर गायक और स्टेज कलाकार मास्टर दीनानाथ का देहांत हो गया। आशा भोसले अपने पिता के रिकॉर्ड सुनकर गाना सीखने की कोशिश करती। बाद में उन्होंने पंडित नवरंग जी से शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की। हालांकि फिल्म संगीत में लगातार बिजी रहने के कारण वो रियाज तो ज्यादा नहीं कर सकी, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए वो काबिले तारीफ हैं। उनकी आलापी इतनी नोकदार और फुर्तीली थी कि सुनने वाले रोमांचित हो उठते थे। आशा भोसले बचपन से ही अंग्रेजी फिल्मों की शौकीन रही। उनका बहुत सारा बचपन कोल्हापुर में बीता। जब कभी कोई अंग्रेजी फिल्म कोल्हापुर के किसी थिएटर में चलती तो वो उसे जरूर देखने जाती। उनकी आवाज में पश्चिमी संगीत की जो झलकियां हमेशा देखी जाती हैं, उसके बीज शायद यहीं पे बो दिए गए थे। दोस्तों 70 के दशक में संगीतकार आरडी बर्मन ने उनकी आवाज को एक मॉडर्न टच दे दिया। आशा भोसले आरडी बर्मन के कॉम्बिनेशन ने हिंदी फिल्म संगीत को नए आयाम प्रदान किए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों आशा भोसले के करियर में एक और सुरीला मोड़ तब आया जब 1981 में संगीतकार खयाम ने फिल्म उमराव जान में चंद बेहतरीन गजलें उनकी आवाज में रिकॉर्ड की। फिल्म उमराव जान की गजलों ने फिल्म पाकिजा की यादें तरोताजा कर दी। रेखा की खूबसूरती और उनकी दिलकश अदाएं, खयाम साहब का लाजवाब संगीत और आशा भोसले की सुरीली आवाज ने उमराव जान को एक यादगार दास्तान बना दिया। यूं तो आशा भोसले की आवाज के बारे में कई अफसाने हैं, लेकिन फिल्म उमराव जान के गजलों की एक खास जगह है। आइए हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों आशा भोसले पिछले 60 सालों से गा रही है। उनका करियर एक विशाल नदी की तरह है। 1948 में जब इस नदी का उगम हुआ तो वो मुख्तसर थी। उसके सफर में कई मोड़ आए, कई तूफान आए, मुश्किलों के पहाड़ भी आए, फिर भी वो बहती चली गई, बढ़ती चली गई और आज तो इसका रूप एक समंदर की तरह विशाल हो गया है। हमें आशा है कि आशा जी यूं ही गाती रहेंगी। उनके अनगिनत नगमे हमने सुने हैं, न जाने कितनी बार सुने हैं, फिर भी दिल चाहता है कि उनके गाने बार बार सुने। ऐसा लगता है कि दिल अभी भरा नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों बात है 50 के दशक की। हर गली हर नुक्कड़ पे उसके आवाज की चर्चा थी। हर वादी में उसकी आवाज गूंज रही थी। हर चमन में उसके गानों की बहार थी। हर कोई उसकी आवाज का दीवाना था, लता की आवाज का दीवाना। लेकिन इस लता युग में भी ओपी नैयर ने अपनी एक अलग राह ढूंढ ली और इस राह पे उनकी हम सफर थीं आशा भोसले। इन दोनों ने मिलकर फिल्म संगीत के इतिहास में एक नए अध्याय की रचना की। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं 1950 के दशक में लगभग सभी टॉप संगीतकार लता की आवाज के दीवाने थे। अक्सर ये होता था कि हीरोइन पे फिल्माए गए गीत लता को दिए जाते थे, जबकि साइड हीरोइन के या दूसरे कम अहमियत वाले गाने आशा भोसले को। इस सोच को बड़े पैमाने पे बदल दिया ओपी नैयर ने। ओपी नैयर के संगीत ने आशा भोसले की आवाज को वो इज्जत बख्शी जिसकी वो पहले से ही हकदार थी। ओपी नैयर के संगीत ने आशा की आवाज पे वो निगाह डाली
कि आशा भोसले ने अपनी जिंदगी बना ली। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। वैसे तो ओपी नैयर और आशा भोसले की ये दास्तां शुरू हुई 1952 में छम छमा छम इस फिल्म के साथ। ये ओपी नैयर की बाहैसियत मौसीकार दूसरी फिल्म थी, लेकिन इन दोनों की साझेदारी असली रंग लाई 1957 में, और वो फिल्म थी नया दौर। बीआर फिल्म्स जैसे मशहूर बैनर तले बनी इस फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला जैसे टॉप के कलाकार थे। फिल्म नया दौर के लिए ओपी नैयर को उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला था। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, संगीत प्रेमियों में ओपी नैयर की आज जो पहचान है वो ज्यादातर उछल कूद भरे, मस्ती भरे और रिदम बेस्ड गानों के लिए है। लेकिन ऐसे गीतों के अलावा ओपी नैयर ने कई नजाकत भरी रचनाएं भी दी। ओपी नैयर हमेशा कहते थे कि शास्त्रीय संगीत की कोई शिक्षा उन्होंने नहीं ली और शास्त्रीय संगीत के व्याकरण के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन शास्त्रीय संगीत पर आधारित कई गाने उन्होंने कंपोज किए। खास तौर पे फिल्म रागिनी और कल्पना, इन फिल्मों के लगभग सभी गाने शास्त्रीय संगीत पे ही आधारित थे। फिल्म रागिनी में आशा भोसले का गाया हुआ एक गाना उस्ताद अमीर खान ने जब सुना तो उन्होंने ओपी नैयर से कहा कि इस गाने में 9 अलग अलग रागों को बेहतरीन ढंग से रचा गया है, और जिस ढंग से आशा भोसले ने इस गाने को गाया उसकी बराबरी करना और किसी भी गायक के लिए बेहद मुश्किल होगा। वो गाना था छोटा सा बाल माँ अखियन नींद चुराए ले गए। दोस्तों, 1957 में ही ओपी नैयर की एक और बेहद मशहूर फिल्म आई तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म के गीतों ने आशा भोसले के गाने के अंदाज को पूरी तरह से बदल दिया। चुलबुले, शरारती, उछलते और फुर्तीले गीत गाने में आशा भोसले ने जो महारत हासिल की उसकी शुरुआत फिल्म तुमसा नहीं देखा से ही हुई। इस फिल्म के साथ साथ मोहम्मद रफी और शम्मी कपूर ने भी अपनी अपनी एक अलग पहचान, एक अलग इमेज बना ली। ओपी नैयर का वो जाना पहचाना भांगड़ा रिदम तुमसा नहीं देखा से ही काफी पॉपुलर हुआ। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ओपी नैयर को आशा भोसले की काबिलियत पे कितना भरोसा था इसकी एक बेहतरीन मिसाल है फिल्म मेरे सनम। इस फिल्म की हीरोइन आशा पारेख थी। आशा पारेख पे फिल्माए गए सभी गाने तो आशा भोसले की आवाज में ही हैं, लेकिन इस फिल्म में वैम्प का किरदार निभाने वाली मुमताज पे फिल्माया गया एक गाना भी आशा भोसले की आवाज में ही उन्होंने रिकॉर्ड किया। आशा भोसले ने अपनी आवाज की जादू से दोनों अलग अलग तरह के किरदार बड़ी खूबी से अपने आवाज के जरिए साकार किए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, ओपी नैयर के पूरे करियर में कुल 25 फीमेल गायकों ने, स्त्री गायकों ने उनके संगीत निर्देशन में गाने गाए। ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि सबसे ज्यादा गाने आशा भोसले ने ही गाए, कुल 324 गाने। दूसरे नंबर पे हैं गीता दत्त, जिन्होंने गाए 62 गाने। शमशाद बेगम ने गाए हैं 39 गाने और बाकी सब गायिकाओं ने 10 या उससे कम गाने गाए हैं। ओपी नैयर की बेहद पॉपुलर हॉर्स बीट टांगा रिदम पे आशा ने गाए हुए लगभग सभी गाने बहुत बड़े हिट साबित हुए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सुरों की मल्लिका पद्म विभूषण, आशा भोसले ने 1999 में ओपी नैयर पे एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ओपी नैयर की एक खासियत बताई थी। गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त ओपी नैयर अपने गायकों को अपनी संगीत रचना में एक आध एडिशन लेने की इजाजत देते थे। ये बात आशा भोसले के लिए बहुत कारगर साबित हुई। इस इजाजत के कारण उनके स्वराभिनय में, जो उनके एक गाने की खासियत थी, उनके उस स्वराभिनय में काफी निखार आया। उनके स्वराभिनय की एक मिसाल आपके सामने पेश है और फिल्म है फिर वही दिल लाया हूं। इस गाने में आशा भोसले ने क्या बात है ये शब्द किस अदा के साथ गाए हैं उसे गौर से सुनिए। किसी मुशायरे में लाजवाब शायरी सुनने के बाद जिस अंदाज से क्या बात है कहा जाता है, उसी अंदाज से उन्होंने ये शब्द अपने गाने में पिरोए हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील।
दोस्तों, इस दुनिया में हर एक अच्छी चीज का अंत कहीं ना कहीं तो होता ही है। ओपी नैयर और आशा की साझेदारी का इस सुरीले रिश्ते का भी अंत हो गया। साल था 1973 और फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए। इस फिल्म के बाद न जाने क्यों दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। एक दूसरे की कला का साथ निभाने का वचन जिस फिल्म के बाद टूटा, उस फिल्म का नाम प्राण जाए पर वचन न जाए हो, ये भी कितने इत्तेफाक की बात है। आशा भोसले की आवाज और ओपी नैयर का संगीत, इन दोनों ने मिलकर फिल्म संगीत के लाखों चाहने वालों को कितनी खुशी दी, कितना सुकून दिया है, ये आप और हम सभी जानते हैं। दोस्तों, आज फिल्म संगीत का रूप बदल चुका है, फिर भी 40 साल पुराने इस कॉम्बिनेशन का जादू आज भी लोगों के दिलो दिमाग पे कायम है। शायद ये बात आशा भोसले और ओपी नैयर को पहले से ही पता थी। अपनी कला का जाल बिछाते समय उन्होंने सबको पहले से ही आगाह कर दिया था, जाइए आप कहां जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली शहर में हुआ। वो सिर्फ 8 साल की थीं तब उनके पिता मशहूर गायक और स्टेज कलाकार मास्टर दीनानाथ का देहांत हो गया। आशा भोसले अपने पिता के रिकॉर्ड सुनकर गाना सीखने की कोशिश करती और बाद में उन्होंने पंडित नवरंग जी से शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की। आशा भोसले बचपन से ही अंग्रेजी फिल्मों की शौकीन रही और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनका बहुत सारा बचपन कोल्हापुर में बीता। जब कभी कोई अंग्रेजी फिल्म कोल्हापुर के किसी थिएटर में चलती तो वो जरूर उसे देखने जाती। उनकी आवाज में वेस्टर्न म्यूजिक की, पश्चिमी संगीत की जो झलकियां हमेशा देखी जाती हैं, उसके बीज शायद यहीं पे बो दिए गए थे। और फिर 70 के दशक में संगीतकार आरडी बर्मन ने पंचम दा ने उनकी आवाज को एक मॉडर्न टच दे दिया। आशा भोसले आरडी बर्मन के कॉम्बिनेशन ने हिंदी फिल्म संगीत को नए आयाम प्रदान किए। दोस्तों, जब कोई गायक दिल से गाता है तो उनका गाना सुनने वाले की दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है। आशा भोसले हमेशा दिल से, दिल की गहराइयों से गाती है। तभी तो मैं कहता हूँ, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।